मैं अखबारों के जरिए सुना कि 18 अक्टूबर को कृषि रोड मैप चतुर्थ आ रहा है। आने के बाद हम लोग अध्ययन करके बताएंगे कि किसानों को इसमें क्या फायदा हो रहा है। यहाँ के किसानों को MSP नहीं मिलती और जो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाता है वहाँ के किसान को भी वो MSP के नाम पर बिकता है। हमारी जो डिमांड थी किसानों की लंबे समय से बिहार में, उसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप पे इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं हम लोग देखेंगे। केस टिकैत दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल किया कि बिहार सरकार चौथे कृषि रोड मैप लेकर आ रही है, इससे क्या किसानों को कितना फायदा होगा, इसको लेकर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले मैं पढ़ूंगा तभी मैं बता पाऊंगा किसका क्या क्या किसानों को फायदा होने वाला है। वही आगे उन्होंने कहा कि बिहार में मैं 3 दिन के दौरे पर आया हूँ, जहाँ मैं 3 दिन कार्यक्रम का आयोजन करूंगा। वही उन्होंने कहा कि तमाम नेताओं के साथ साथ मैं किसानों से भी मुलाकात करूंगा। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहला मेरा मांग है कि बिहार में बाजार समिति लागू हो। वही आगे उन्होंने मंडी की भी मांग कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत, पहले उनकी बातों को सुनिए, और वही सुधाकर सिंह भी क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, पहले दोनों की बातों को मैं सुनवाती हूँ। अब उसको पढ़ेंगे रोड मैप को, उसको देखेंगे रोड मैप वो कैसा रहेगा। 3 दिन हम यही रहेंगे बिहार में। सबसे पहले है कि जो मंडी है, जो बाजार समिति है, वो बहाल होनी चाहिए। हजारों ट्रक यहाँ से रोज़ धान जाता है, वो कहाँ जाता है? यहाँ के किसानों को MSP नहीं मिलती और जो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाता है वहाँ के किसान को भी वो MSP के नाम पे बिकता है। ये सबसे पहले व्यवस्था बंद हो, यहाँ के किसान को जो फसल पैदा करता है उसका लाभकारी मूल्य मिले, और वो जब मिलेगा बाजार समिति तो बहाल हो जाए। पहले कौन सा रोड मैप होगा? मक्का में करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का सीधा एक सीजन में नुकसान है। बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से खरीदती है, बाहर जाके बेचती है, और यहाँ के किसान को MSP से कम पर खरीद होती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सिस्टम है। आए हैं 3 दिन यहाँ पे ही रहेंगे। क्या मंडी का उनकी मांग करेंगे आप? बिल्कुल, मांग हमारी सबसे पहली मांग यही है। भाई सुधाकर सिंह जी यहाँ पे हैं, इन्होंने क्यों इस्तीफे दिए? यही तो दिए कि मंडी बाजार समिति बहाल हो। अपने दिनेश जी है यहाँ पे, सब लोग हैं, और हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जो बाजार समिति है वो बहाल हो, अपने जैसे पहले सिस्टम करती है। आज से 15-20 साल पहले ऐसे ही ये मंडी सिस्टम यहाँ पे लागू। मैं अखबारों के जरिए सुना कि 18 अक्टूबर को कृषि रोड मैप चतुर्थ आ रहा है। आने के बाद हम लोग अध्ययन करके बताएंगे कि किसानों को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, या हमारी जो डिमांड थी किसानों की लंबे समय से बिहार में, उसमें चतुर्थ कृषि रोड मैप पे इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं हम लोग देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कृषि रोड मैप 2 में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि बिहार में हम मंडी कानून लाएंगे, लेकिन नहीं आया आज तक। लंबे समय से मिनिमम सपोर्ट पर जो इसेंशियल कमोडिटी है, धान गेहूँ मक्का की खरीद, वो नहीं बिहार में हो पा रहा है। ये 2 मुख्य चुनौती है। तीसरा है कि बिहार में ज़मीन के उपयोग को लेकर के एक विस्तृत सरकार के स्तर पे अपेक्षा था कि एक नीति आएगा, लेकिन आज तक उसमें भी नहीं। आप देखे होंगे कि जितने भी भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं सड़क बनाने के लिए या कि निकामों के लिए, उसका 1/4 दाम मिल रहा है किसानों को। इससे भारी नुकसान हो रहा है बिहार के किसानों को। कानून था कि 4 गुना मिलेगा, सच्चाई है कि 1/4 मिल रहा है। इतना अंतर है। लंबे समय से इस देश का किसान लड़ रहा है सरकारों से, और हमारे से पहले भी लोग लड़ रहे थे, मेरे बाद भी लड़ेंगे लोग। इस राज्य की 70% आबादी कृषि आजीविका है, और ऐसी परिस्थितियों में घाटे वाली खेती से पलायन बढ़ रहा है बिहार से, तो घाटे की खेती मुनाफे में कैसे तब्दील हो, एक सतत संघर्ष है। इस संघर्ष जारी रहेंगे, आने वाले वक्त में भी संघर्ष होंगे, और जो पहले भी लड़े हैं उनको भी हम लोग साधुवाद और शुभकामना देते हैं। आपने साफ तौर पर सुना कि राकेश टिकैत ने कहा कि मैं 3 दिन के बिहार दौरे पर आया हूं, जहां मैं तमाम नेताओं से मुलाकात करूंगा और किसानों से भी मिलूंगा, और मेरा पहला मांग है कि बिहार में बाजार समिति लागू हो, और वही मंडी की भी मांग उन्होंने किया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।